नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है astroswamiji.com में। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2023 के अंतर्गत होलिका के पर्व के विषय में। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है 6 और 7 तारीख को हमारे पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व भर में होली पर्व मनाया जाएगा पूरे हर्ष और उल्लास के साथ में। होली है रंगों का त्यौहार और खुशियों का त्यौहार। हम जानते हैं कि होली होती है विशेषकर एक दिन की या दो दिन की, लेकिन दर्शकों होली पूरी 8 दिन का ये त्यौहार होता है और जो कि प्रारंभ हो जाएगा वस्तुतः 27 फरवरी से। 27 फरवरी से दर्शकों होलाष्टक लग जाएंगे जो कि आपके 7 तारीख तक जो है समाप्त होंगे। दर्शकों, आपको हम महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि होली के दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं होलाष्टक। तो दर्शकों, जब होलाष्टक शुरू हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे घर में जो भी मांगलिक कार्य होते हैं उनको हमें नहीं करना होता है। जैसे कि कोई शादी, कोई मुंडन या इस प्रकार के कोई और भी अन्य जो शुभ कार्य होते हैं, किसी दुकान का मुहूर्त वगैरह होलाष्टक के समय पे नहीं होते हैं। लेकिन दर्शकों, यदि आप कोई विशेष इष्ट देवता की सिद्धि करना चाहते हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आप उसके लिए चंडी पाठ करना चाहते हैं, वस्तुतः होली पर जो भी होगा उसमें आप स्वयं यदि किसी भी चीज़ की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा उसका लाभ प्राप्त दर्शकों होने वाला है। अब हम बात करते हैं होली के दिन हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। सबसे पहली बात है कि होली के दिन हम कोशिश करेंगे कि हम जो है कि प्रातःकाल सुबह जल्दी जाग जाएं और अपने इष्ट देवता का सुमिरण करें। हो सके तो पास के मंदिर में जाइए, वहाँ पे मंदिर में जाकर के गणेश जी को और जितने भी देवी देवता वहाँ पर हैं उन सबको जो है उनकी पूजा करके उनके ऊपर रंगों से जो है उनका अभिषेक कीजिए, उनको रंग लगाइए, अपने पूरे परिवार में खुशियाँ बांटिए। निश्चित रूप से उससे आपके जीवन में, आपके आसपास के लोगों के जीवन में बहुत ही अच्छी एक शुभकामनाएँ, एक जो जीवन की जो प्रगति होती है वो आपके जीवन में आएगी। इसके साथ ही दर्शकों, 6 तारीख के शाम को जो है आप होलिका का दहन होना है, उस दिन आप होलिका का दहन कीजिए और वहाँ पर जाकर के जो है अपनी तरफ से आप कुछ भी, आप कोई गाय के गोबर का उपला हो सकता है या फिर कपूर हो सकता है या फिर लौंग या इलायची यदि आप दान कर देंगे वहाँ पे होलिका में दहन कर देंगे, आपके जीवन में जो भी कष्ट क्लेश है शाम के समय में दर्शकों वो सब समाप्त हो जाते हैं। विशेषकर यदि आपको कोई दिमाग से संबंधित प्रॉब्लम है तो बिल्कुल वो ठीक होने वाली है, या फिर किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या कुछ इस तरीके का आपको कोई भ्रम है तो वो सब आपका समाप्त होगा। तो धन्यवाद, ये था आज का विषय वर्ष 2023 होली में क्या करें क्या ना करें। धन्यवाद।